लाइक 4 डेज से जो मेरी मसाज वाली आंटी थी हम दोनों की मालिश करने के लिए, वो छुट्टी पे थी, उनके घर पे कुछ इमरजेंसी थी, लाइक उनकी बहू को डिलीवरी होने वाली थी लेकिन हुई नहीं। तो आज उनको मैंने कॉल करके बुलवाया कि प्लीज़ आप आ जाओ, बिकॉज़ आई एम नॉट एबल टू डू एनी थिंग एंड आई एम नॉट एबल टू मैनेज हर। और सीरियसली मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मेरा बिल्कुल भी चीकू को मसाज करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, उसको नहलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। परसों तो मैंने कर दिया, कल शाम को जब मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था तब मैंने उसको मसाज किया और फिर स्पॉन्ज बांध दिया कि शाम को नहला नहीं सकते थे। अभी शी इज़ हियर, ये देखो इसके सारे कपड़े यहाँ फैले हुए हैं, अभी मैं फोल्ड करूँगी सारे कपड़े। अज्जी को यहाँ पे खेल रही हैं, ये उसका प्ले जिम है, हमने अभी परचेज़ किया है अमेजोन से, मैं आपको दिखाती हूँ इसे ऑन करके। यहाँ से ऑन कर देते हैं, मैं इसका डेमो भी शेयर करूँगी या शेयर कर ही दिया होगा अभी तक आपको। इस तरीके से ये लाइट वेट चलती है, इसमें देखो अट्रैक्ट हो रही है और ये सारी चीज़ें इस पर लगी हुई है। एक्चुअली एक टीथर है और इस पर साउंड भी होती है ऐसे ऐसे, तो बड़ा अच्छा लगता है उसको, मज़ा आता है। इस पर उधर से भी साउंड आती है, ब्लूटूथ से भी चलता है, फ़ोन से भी चलता है, इसके साथ में एक रिमोट भी है, यहीं भी पड़ा होगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यहीं कहीं होना चाहिए, पता नहीं कहाँ गया। तो छोटा सा एक रिमोट भी है, सीरियसली ये देखो रिमोट गायब हो गया इसका, अब पता नहीं कहाँ पर है। तो उससे भी वर्क करता है और इस तरह से लाइट चेंज होती रहती है। और एक इसमें ये लैम्प टाइप की भी लाइट है, स्पीकर है, सॉन्ग भी आते हैं, मतलब म्यूज़िक भी आता है। अभी मैं प्ले नहीं करूँगी, मैं बाद में दिखाऊँगी इसको अच्छे से आपको। एनीवेज तो आज मैंने उनको बुलाया, फ़िलहाल हम इस रूम में अभी शिफ्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी काम आप देख रहे हो कि ये काफ़ी काम हो गया है। इधर का कुछ कुछ ये जो पार्ट है ये भी हटाना है यहाँ से, जो पहले यहाँ पे हुआ करता था। मैंने कर्टन वर्टन सब कुछ चेंज कर दिया, आपको अच्छे से डिटेल में बाद में दिखाऊँगी। सो क्या हुआ कि फिर वो आए तो उन्होंने चिकू को मसाज दी, अनिका भी आ गई थी तो उसे भी मसाज दी और मुझे भी दिया। आज वो देर से आए तो अनिका आ गई थी स्कूल से, उसको मसाज दिया और मुझे भी दिया। देन फिर चिकू को नहला करके वो गए, सो शी वॉज स्लीपिंग। और मसाज करने के बाद में अब मैं नहा लेती हूँ, मैं रुकती नहीं हूँ, एक आधी घंटा जो होता है तो उसमें मैं नहा लेती हूँ। आज जो थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि शैम्पू भी करना था तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया। और चिकू वो लाइक ओ माई गॉड, इतना रोई इतना रोई इतना रोई, लेकिन अनिका ने बहुत प्यार से उसे संभाला, उसे स्टोरी सुनाई, बेबी दीदी यहीं पर है, मैं यहीं पर हूँ, रो मत रो, मतलब इतना प्यारा लग रहा था। और और सिस्टर्स लाइक यू नो, कोई भी सिबलिंग जो होता है, छोटा बड़ा भाई बहन जो भी होते हैं, वो सब अपने छोटे भाई बहन को बहुत अच्छे से संभालते हैं। आजकल तो बच्चे इतने समझदार हो गए ना अपने मम्मी पापा को देख देख करके कि वो सब कुछ करना चाहते हैं। अनिका तो लिटरली लाइक मेरी कॉपी करती है एक चीज़ में और बहुत अच्छे से उसको संभालने की कोशिश करती है और प्रटेंड भी करती है जैसे कि वो बहुत अच्छे से कर रही है। और मैं भी उसको पूरा ट्रस्ट करती हूँ कि वो कुछ गलत नहीं करेगी। कभी कभी लाइक थोड़ा बहुत कभी कुछ लगता है ना, बच्चे ही है ना, छोटे बच्चे से तो अपने को भी लगता है, तो मैं समझाती भी हूँ, कभी गुस्सा भी हो जाती है, लेकिन गुस्सा नहीं करना है हमको यहाँ पर, कि बच्चे बहुत समझदार होते हैं, उन्हें बस हमें गाइड करना होता है। अगर हम सही तरीके से गाइड करेंगे ना तो वो बहुत अच्छे से बच्चों को संभाल लेते हैं। ऑक्सीकल दिख रहे हैं क्यों? मेरी आंखें देख रही है रेड रेड हो गई, मैंने शावर लेके आई थी तो सोप चला गया था और ये मेरी आई मतलब रेड हो गई थोड़ी सी रेड हो गई। अच्छा आप लोग पूछ रहे थे कि मेरी एक आईब्रो शॉर्ट है और एक नॉर्मल है, तो शॉर्ट क्यों है? तो एक्चुअली ये शॉर्ट नहीं है, बाय बर्थ शॉर्ट नहीं है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था कॉलेज टाइम में, तो यहाँ पर आपको निशान भी दिखेगा, अभी पता नहीं विजिबल है। हाँ ये देखो ये निशान दिख रहे हैं ना आपको, तो ये पूरा यहाँ से ओपन हुआ था जब एक्सीडेंट हुआ था मेरा, तो ओपन होने की वजह से यहाँ पर टाँके लगे थे, 6 टाँके लगे थे यहाँ पे, और ये ओपन हो गया था इधर से पूरा, तो ये 6 टाँके लगे थे और ये जो आईब्रो थी वो पूरी यहाँ तक आ गई थी, मतलब ये पूरा निकल ही गया था, ये सब कुछ ही निकल गया था, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो हेयर ये सब निकल गया, तो इतनी आईब्रो हो गई थी लाइक लिटरली। और ये ग्रोथ धीरे धीरे आई, मतलब कोई चांस नहीं था कि ये ग्रोथ आएगी कि नहीं आएगी। डॉक्टर ने बोला फ्यूचर में डिपेंड करता है कि जैसा रहेगा, फिजिकल ग्रोथ अपने आप आ सकती है, नहीं भी आ सकती, क्योंकि टाँके लगने के बाद में वो जो स्किन होती है ना वहाँ पर, उसमें कुछ नहीं कह सकते कि अभी उसमें क्या डेवलपमेंट होने वाला है। तो अभी ये निशान भी काफ़ी हद तक चला गया है, ये देखो ये निशान काफ़ी हद तक चला गया है यहाँ से, और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की ग्रोथ है एक्चुअली यहाँ तक आ चुकी है ये ग्रोथ। तो ये आईब्रोज वगैरह जब मैं करती हूँ, थ्रेडिंग करती हूँ, तो यहाँ तक आ जाती है करने के बाद में। तो फिर इसको मैं पूरा शेप अप करती हूँ, डिफाइन करती हूँ अपने ब्रोज को, इस तरीके से वर्क करता है। तो ऐसा ऐसा है मेरी आई ब्रोज का जो इतिहास है।
एनीवेज चलो अब मैं जा रही हूँ, अपने बाल सुखाऊंगी। आज मैंने शैम्पू किया है वेंसडे तक, क्योंकि थर्सडे हो जाता है, थर्सडे को शैम्पू नहीं करती मैं, तो अभी सुखाऊंगी इसको। मौसम भी ऑसम हो रहा है, मतलब कि बारिश तो हो नहीं रही है, ठंड भी कुछ खास नहीं है, लेकिन हवा अच्छी चल रही है और धूप बिल्कुल नहीं है। तो आई सी यू लेटर। आप सोच रहे हो आने का कहाँ, इनका घर आ गई, तो नहाने के लिए गई है क्योंकि इसकी मालिश हुई थी, तो अब वो गई है नहाने के लिए। लो लो बेटा, बहुत तेज बारिश, बहुत तेज। इवनिंग हो गई है चीकू, अभी अभी सो के उठी है और उसे मैंने चेंज कराया है, और कुछ देर मैं इस चेंजिंग शीट पे उसे छोड़ देती हूँ। ये स्वेडल क्लॉथ है, इसके ऊपर मैंने इसे सिलाया है। वेल, ये वही स्वेडल क्लॉथ है जो हमने चीकू की स्वेडलिंग के लिए परचेज़ किया था। स्टार्टिंग में हम इसे कवर करके रखते थे, इसे स्वेडल करके रखते थे, अब इसे हम एज अ रैप यूज़ कर रहे हैं, एज अ कवर यूज़ कर रहे हैं, और कभी कभी हम एज अ टॉवल भी इसे यूज़ करते हैं। तो इसका कितना यूज़ है, यू नो वेरी वेल। एनीवेज, मैं यहाँ पर डायपर भी यूज़ करती हूँ चीकू को, नैपी भी यूज़ करती हूँ। अभी डायपर रिमूव किया है, तो हम थोड़ी देर इसे ओपन छोड़ेंगे, देन उसके बाद इसे नैपी पहनाएंगे। तो इस तरीके से हम दिन में ऑल्टरनेट टाइम पर नैपी एंड डायपर का यूज़ करते हैं, और भी इन बिटवीन दैट हम उसे मसलिन का जो ये स्वेडल है, क्लोथ है, इसमें भी रखते हैं। Good morning. तो ये वाले जो टी शर्ट आप देख रहे हैं, मतलब टी शर्ट नहीं है, ये वंजी है। मंथली फोटोशूट के लिए मैं ये वाले वंजी मंगाती हूँ, एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड नेट रूट। तो ये मैंने अमेजोन से ही परचेज किए, 5-6 एक साथ ही ले लिए थे। 1, 2 and 3 months का ये है, और 4 months and 5 months, तो 3 months होने वाले हैं चीकू को। ये मैं जा रही हूँ वॉश पर लगाने, उसके सारे कपड़े वॉश हो रहे थे, फिर मुझे याद आया कि यार अभी 3 months होने वाले हैं, मुझे ये वाला वंजी चाहिए होगा। तो अभी मैं क्या करती हूँ कि तीनों ही वॉश करने जा रही हूँ, वॉश करके रख दूँगी। बहुत ही प्यारे होते, कंफर्टेबल होते हैं, और आपने देखा ही हुआ है बेबी को इसे पहने हुए, लग रहा है चीकू रो रही है। मैं जाती हूँ और आपसे बाद में मिलती हूँ। Thank you.
जाओ अब आप खाना खा लो, गो जाओ पराठा खा लो, मम्मा नहा के आती है। अभी शाम हो रही है और चिकू का फीड टाइम है तो फीड करा रही हूँ, और इसके बाद चिकू अपने रॉकर में थोड़ी सी खेलती है और मस्ती करती है। उसके रॉकर पे हमने हैंगिंग टॉयज लगा रखे हैं तो उसे अच्छा लगता है, उसे मज़ा आता है उस टॉयज़ के साथ में। एनीवेज आप लोग पूछ रहे थे कि रॉकर लेना सही रहेगा या फिर क्रैडल लेना सही रहेगा, तो दोनों के अपने अपने जो बेनिफिट्स हैं वो अपने अपने हैं। दोनों ही बेबी इजेंशियल हैं और दोनों के अपने अपने यूजेस भी हैं। कुछ लोग क्रेडल यूज़ करना पसंद करते हैं, कुछ लोग बेबी रॉकर यूज़ करना पसंद करते हैं। आजकल बेबी रॉकर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हुए लोगों को देखा जा रहा है। अब मैंने जो ट्रेडिशनल क्रेडल आते हैं वो भी यूज़ किया हुआ और अभी मैं रॉकर यूज़ कर रही हूँ, और मुझे इन शॉर्ट रॉकर ज़्यादा बेनिफिशियल लगा। क्यों लगा, किस लिए लगा, क्या क्या जो चीज़ें थी मुझे अट्रैक्ट कर रही हूँ, क्या क्या इसके जो की पॉइंट्स थे जो मुझे बेनिफिशियल लगे, ये सब मैं आपको अपकमिंग वीडियो में बताऊंगी सेपरेटली। गाइस बहुत सारे लोग जो ट्रेडिशनल क्रेडल होता है पालना जो होता है उसे यूज़ करना प्रेफर करते हैं, वहीं आजकल लोग रॉकर की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो स्विंग रॉकर होता है उसके तरफ। ये ऑलमोस्ट लाइक पालना जैसा ही लगता है, जो क्रेडल होता है वैसा ही दिखता है, लेकिन थोड़ा सा इसका जो फॉर्म है वो डिफरेंट हो गया है। एक तरह से आप कह सकते हो रॉकर इज़ अ मॉडर्न वर्जन ऑफ आवर ट्रेडिशनल क्रेडल, एंड इसमें मुझे कोई भी और डिफ़िकल्टी नहीं लगी। नॉर्मली क्रेडल की तरह ये स्विंग करता है, मैनुअली स्विंग कर सकते हो। इसमें इलेक्ट्रिक स्विंग के भी ऑप्शन मिलते हैं मार्केट में, थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में जाते हैं, लेकिन ये वाला जो रॉकर मैं यूज़ कर रही हूँ ये बीबी हा ब्रांड का, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत रीज़नेबल नहीं है, तो एवरेज रेट में है। ये मुझे 6000 के रेट में आया था डिस्काउंट के बाद, मैंने फर्स्ट ट्राई से लिया था। अभी भी ऑफर चल ही रहा है फर्स्ट ट्राई पे, आप देखना ज़रूर, दिवाली सेल चल रही है, अगर कुछ समझ में आता है तो शॉपिंग ज़रूर कर लेना। दो इंजेक्शंस और एक ओरल ड्रॉप्स।